So let's talk about the 16th of March important current अफेयर्स. वन हेल्थ कॉन्सेप्ट. वन हेल्थ कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जैसे जूनॉटिक डिजीज़, यानी कि जो बीमारियाँ होती हैं वो जानवरों से आजकल इंसानों में फैलने लगी हैं, तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट ये कहती है कि भाई हमें इंसानों के साथ साथ जानवरों और एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि जो ये बीमारियाँ हैं वो जानवरों से इंसानों में या प्रकृति में ना फैलें. दैट्स ऑल, नथिंग एल्स इम्पॉर्टेंट दिस. नहीं, चलते हैं SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं, कुछ फ्रेमवर्क के अंदर कुछ बातें ऐड की गई हैं. इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, वी कैन सेफली इसके, लेकिन जो उसमें 17 गोल्स हैं वो चाहो तो आप याद कर सकते हो. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ कैन बी रिमेम्बर्ड. सो दीज आर द 17 गोल्स दैट यू कैन क्रिएट शॉर्टकट एंड रिमेंबर फॉर द मेन्स एग्जाम. नहीं, चलते हैं. उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए कुछ ऑर्डिनेंस जारी किया गया है कि जो राइट्स किए गए हैं उनसे प्रॉपर्टी की जो डैमेज है उसकी कॉस्ट को रिकवर की जाएगी. उत्तर प्रदेश ने ऐसा बोला है, पर स्किप दिस न्यूज़. नेक्स्ट चलते हैं. नेशनल करियर सर्विस की हम बात करें, करियर का मतलब नौकरी लगना है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है उसने कुछ स्कीम निकाली थी जिसमें जॉब ढूंढने वाला जो है और जो देने वाला है वो आपस में कनेक्ट हो सकें. सो दैट्स ऑल. एक्सोमार्स. एक्सोमार्स एक प्रोग्राम है जो कि यूरोपियन स्पेस और नासा के, सॉरी, रशिया के बीच में है. नासा का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए ध्यान रखना कि ये कैन बी ट्रिकी क्वेश्चन. मार्स के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में पता लगाने के लिए है. इसके अलावा एक UAE जो है मुस्लिम कंट्री है, वो भी एक होप मार्स ऑर्बिटर भेजने का सोच रही है. सो देखते हैं क्या उखाड़ पाते हैं वो लोग. नेक्स्ट चलते हैं. COVID-19 की हम बात करें तो साबुन से हाथ धोने चाहिए. साबुन से हाथ धोने से क्या होता है कि जो कोई भी वायरस होते हैं जैसे कोरोना, इन्फ्लुएंजा वायरस, इबोला, ये जो इसकी कोई लिपिड लेयर होती है, लिपिड एक एनवलप होता है, तो साबुन से क्या होता है कि जो लिपिड लेयर है वो ख़त्म हो जाती है और उससे जो पानी से वो क्या है कि मरे हुए वायरस जो होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू शुड यूज़ योर. नेक्स्ट चलते हैं. डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करें तो गृह मंत्रालय जो है इसको देखता है. डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो भी फंड वगैरह होते हैं, ये इस फंड को जो है उसको एक्ट 2 के तहत बनाया गया है. इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो 75% पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट को देती है, कुछ कुछ लोगों को 90 भी देती है, डिपेंड करता है कौन से स्टेट है वो. तो ये जो जो फंड है बेसिकली ये पब्लिक फंड होता है, इसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी नहीं लगती है. पार्लियामेंट्स को बार बार नहीं पूछना पड़ेगा पैसा निकालने के लिए. सो नॉट इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं. दूसरी चीज़ है COVID-19 जो है फालतू की न्यूज़, इसमें कुछ फालतू की न्यूज़ है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है. नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट और लॉजिकल इन दिस. हर्ड कम्युनिटी डांडे चराने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है. सेफोर्ड एक्ट है, ये ट्रंप का कुछ एक्ट है, अमेरिका का. अमेरिका वाला पढ़ेंगे अपन, क्यों पढ़ेंगे. एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो एक्चुअली हमारे कंट्री के अंदर लगाई जाती है, जबकि कस्टम ड्यूटी जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है उस पर लगाई जाती है. तो आज की तारीख में कस्टम एक्साइज ड्यूटी जो होती है, एक्साइज ड्यूटी सिर्फ आपके लिकर और पेट्रोलियम पे लग रही है, बाकी जो है सारी चीज़ें जो है GST के अंदर आ गई हैं. तो एक्साइज ड्यूटी जो इनडायरेक्ट टैक्स बोर्ड जो है उसको देखता है, कलेक्ट करता है. नेक्स्ट चलते हैं. दिल्ली पुलिस का कुछ फालतू का है. बोको हरम की हम बात करें, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये सुन्नी मुस्लिम कंट्री है और ये नाइजीरिया की कोई बोको हरम का कोई टेररिस्ट ग्रुप है, सो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट चलते हैं. सार्क देश जो है आपको थोड़ा बहुत ध्यान में होना चाहिए. सार्क देश जो है उसमें अभी कुछ इमरजेंसी लगाई गई है. सार्क देश 85 में बना था, कार्बन में इसका हेडक्वार्टर है. मेंबर जो हैं वो अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है. नेक्स्ट चलते हैं. कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन जो भी है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें. नेक्स्ट चलते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उसने बोला है कि जो इंडस्ट्री कम पोल्यूशन करेगी उसको अपन क्या करेंगे, ग्रीन लेबल, वाइट लेबल, इस तरह से अलग अलग लेबल लेबल दे देंगे. जो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाएगी उसको कम लेबल देंगे, तो फालतू की बात है. नेक्स्ट चलते हैं. इथोपिया की हम बात करें तो ये एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका की लैंड लॉक कंट्री है, ध्यान रखना इट इज़ अ लैंड लॉक और इसके अंदर कोई डिस्प्यूट की बात चलती है तो नॉट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट चलते हैं. मेडिकल कॉलेज फॉर फ्री वुमन, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. पीस यूनिवर्सिटी, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. PIB के वन लाइनर, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट चलते हैं. पानीपत के बाद तीसरी लड़ाई की हम बात करें तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी. महाराजा सूरजमल ने मुसलमान इसका साथ दिया था, मुसलमानों का साथ दिया था, और इसके बाद में क्या है ब्रिटिश लोग पावर में आ गए थे. तो थर्ड बैटल पर पानीपत जो है 61 में हुई थी और सूरजमल जो था वो एक मुसलमानों का साथ ही दिया. नेक्स्ट चलते हैं. पिट्स इंडिया एक्ट की हम बात करते हैं, 84 की. तो इसको इसमें डबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था और कंपनी के जो कंट्रोल थे वो क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चले गए थे, तो ध्यान रखना इट्स काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट. एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको कहते हैं, ये सब छोट मोट न्यूज़ याद रखने की जरूरत नहीं, था याद भी रहेगा भी नहीं अपने को.
चार्टर एक्ट 53 की अपन बात करें तो देखिए 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का जो एक्ट आया था उसको गुड कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ही अच्छा अच्छा हुआ था, गुड हुआ था। हालांकि तरेपन में भी कुछ अच्छे काम हुए थे, जैसे काउंसिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर क्या है कि पहली बार कुछ लोकल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड किया गया था, और सिविल सर्विसेज जो हैं वो इंडियंस के लिए खोली गई थी कि भाई आ जाओ और ज्वाइन करो सिविल सर्विसेज। सो दिस इज़ हाउ यू शुड नो अबाउट इट इन दिस। नेक्स्ट चलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स की अपन बात करें तो इसको एंडोर्स किया गया था नागपुर सेशन में। ध्यान रखना नागपुर में एक तो होता है अप्रूवल, एक होता है एंडोर्स। अप्रूवल जो है वो कलकत्ता में हुआ था, और जो 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 एंडोर्स हुआ था वो नागपुर में हुआ था। आगे अपन देखेंगे। इसमें खादी का यूज़ करने की बात की गई थी नॉन कॉपरेशन के अंदर, और चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने इसको बंद कर दिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इसलिए हुई थी क्योंकि जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था आपके 1920-22 के करीब, और इसके अंदर 1920 के अंदर एक सेशन हुआ था आपके कोलकाता के अंदर जहाँ अप्रूवल मिला, और फिर बाद में एंडोर्स किया गया था इसको नागपुर के अंदर। तो उसमें क्या था कि जो जितने भी स्कूल कॉलेज कपड़े वगैरह थे सब बंद कर दिए थे, सब ये सब चीज़ें। ठीक है, खिलाफत जो है मुसलमानों की मूवमेंट थी जिसमें एंटी ब्रिटिश ओबीसी से बात है। हालांकि इसमें मुसलमानों के रिफॉर्म की और उनके इलेक्शन के जो इलेक्टोरल रोल था उसके भी बात नहीं की गई थी। ओटोमन एम्पायर के ऊपर जो कब्जा कर लिया था अपने ब्रिटिश सरकार ने, तो मुसलमान जो है बढ़ गए थे। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की बात करें तो इसे पब्लिक और प्राइवेट पे लगाए जाते हैं, ये कोऑपरेटिव और एनबीएफसीज पे नहीं लगाए जाते हैं, ध्यान रखना। सो इट कैन बी इम्पोर्टेंट। किसान क्रेडिट कार्ड की अपन बात करें तो अब क्रेडिट कार्ड को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, या तो कॉमन सेंस की बात है यार, वो तो कहीं पर भी यूज़ कर सकता है, उसकी मर्जी हो जहाँ यूज़ करेगा वो। नेक्स्ट चलते हैं आपको ये पर्शियन गल्फ जो है उसके आसपास का एरिया थोड़ा सा याद में होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं प्री पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे पेटीएम हो गए, फ़ोनपे हो गए, तो ये इसको आरबीआई रेगुलेट करती है, और बाकी उसमें कुछ खास ही नहीं। आप एक दूसरे को इंटर रेमिटेंस यानी एक आदमी दूसरे आदमी को भेज सकता है, ये बात हो ही सकती है। नेक्स्ट चलते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो ये स्टेचुरी बॉडी है, ऑब्वियस बात है, और स्टार लेबलिंग करती है। लेबलिंग मतलब 5 स्टार 4 स्टार कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको एक्ट के तहत बनाया गया है 2001 के तहत, तो यू शुड नो अबाउट इट। नेक्स्ट चलते हैं स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड की बात करें तो ये स्टेचुरी फंड होता है जिसको एक्ट 2005 के तहत बनाया गया है। और ऋषिकुल्ला की बात करें तो एक ये एक रिवर होती है जो कि आपके उड़ीसा के अंदर फैल है, और ये कोई हिल है ईस्टर्न घाट से ये ओरिजिनेट होती है, ध्यान रखना ईस्टर्न घाट नो की ना कि वेस्टर्न। और इसके अंदर रेडली टर्टल्स वगैरह भी पाए जाते हैं। सर्किट ब्रेकर अपन ने पढ़ ही लिया था कि भाई स्टॉक मार्केट क्रैश ना हो जाए, जिसको सेबी ने लागू किया था, कल पढ़ा था अपन ने। 371 जो है आर्टिकल में बताया था कि कौन कौन से स्टेट जो है उनको स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं। क्रच स्कीम जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमन और स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, इसमें 6 महीने से लगा करके 6 साल के बच्चे को रखा जा सकता है। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट जो है वो IOM ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन ये संस्था इसने निकाली है। सो दिस इज़ आवर न्यूज़ फिनिश, थैंक यू।